Redmi Note 5 Pro Hidden Settings and Features. Hi friends, Siddharth here from technobuzz.net. आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ Redmi Note 5 Pro के हिडन सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में, जो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है या कुछ लोगों को पता होता है और बट वो उसको यूज़ नहीं करते. तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे फीचर्स जिससे आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी और आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी. तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप छोड़िएगा मत, ताकि आप सीख सकें कि इसमें क्या क्या हिडन फीचर्स हैं और क्या सेटिंग्स हैं. तो ये वीडियो इसी के ऊपर है, तो चलिए देखते हैं. सब्सक्राइब कीजिए technobuzz.net चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले लेटेस्ट टेक अपडेट्स आपको मिल सकें. तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि जब मेमोरी हम यहाँ पे पहले मेमोरी नीचे देती थी, कितने GB रैम आपके पास फ्री है, कितने आपके पास नहीं है, तो वो उसमें अब नहीं देखने को मिल रही है. तो उस फीचर को आप कैसे इनेबल करें? तो उसको इनेबल करने के लिए क्या करना है, आपने थोड़ी देर तक होम स्क्रीन पर टैप करके रखेंगे, आपको नीचे तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नीचे वॉलपेपर, विजेट्स एंड सेटिंग्स. सेटिंग्स पे आप जैसे ही टैप करेंगे, आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं नीचे. जैसे ये आपको नीचे मोर का जो ऑप्शन है उस पर प्रेस करना है. मोर के ऑप्शन पर जाके आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, शो मेमोरी स्टेटस. ये देख पा रहे होंगे आप, शो मेमोरी स्टेटस करके एक ऑप्शन है. इस ऑप्शन पे आपने आपको एक बार टैप टैप कर देना है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है. अब इससे क्या होगा, जो आपको जो मेमोरी का ऑप्शन था वो आपको देखने को मिल जाएगा अपने फ़ोन के अंदर. अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे लिखा रहा है 2.1 GB और 4 GB अवेलेबल. तो इस तरीके से आप इस फीचर को अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं. अब जो मैं इसमें बता रहा हूँ फीचर जो बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेंगी, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप उन एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. वो दो एप्लीकेशन है, एक तो है एक्टिविटी लॉन्चर और एक है MIUI की हिडन सेटिंग्स. इनको एप्लीकेशन को यूज़ करना है आपको कुछ सेटिंग्स को एक्टिवेट करने के लिए. तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो आप गेम्स खेलते हैं तो गेम्स की परफॉर्मेंस काफ़ी लैग करती है या काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है गेम्स खेलने में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गेम बूस्टर एक एप्लीकेशन होती है, उसको अपने फ़ोन में स्टार्ट कर लेना है. तो उसके लिए पहले एक्टिविटी लॉन्चर पर जाएंगे, ऊपर आपको देखने को मिलेगा रीसेंट एक्टिविटीज़, इस पर आप टैप करेंगे और ऑल एक्टिविटीज़ पर क्लिक करेंगे. थोड़ी ही देर में सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर वो सारी की सारी लॉन्च हो जाएंगी, उसमें जाके आपको चीज़ों को चेंज करना है. तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको क्या करना है. तो आप सबसे नीचे जाएंगे, नीचे जाके आपको सिक्योरिटी ऑप्शन जो है उसको सर्च करना है. ये रहा सिक्योरिटी ऑप्शन, इस पर आप सर्च करेंगे. इसमें आपको एक गेम बूस्टर, गेम स्पीड बूस्टर एप्लीकेशन नाम की फाइल मिलती है, इस पर आप टैप करेंगे और इसको क्रिएट शॉर्टकट कर देंगे. अब इसका शॉर्टकट जो है आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा, ये बन चुका है जैसे होम स्क्रीन के ऊपर. अब जैसे आप इसको टैप करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज आता है जिस पर लिखा होता है ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस. ये आपके गेम्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी कर देगा, आप काफ़ी अच्छी तरीके से गेम खेल पाएंगे. सेकेंड इसके अंदर है कनेक्शन स्पीड को भी ऑप्टिमाइज करता है, ताकि आपके फ़ोन में जो कनेक्शन आ रहे हैं वो ठीक तरीके से काम करें, पूरे गेम को अच्छी तरीके से लोड होए और पूरा जो मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हैं वो अच्छी तरीके से काम कर सकें. और साथ ही साथ DND मोड भी एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होता है कई बार के नोटिफिकेशन के पॉपअप आते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे गेम पॉज हो जाता है, वो सब आना बंद हो जाएंगे. तो आपने सिर्फ स्टार्ट करना है और इस फीचर को इनेबल कर लेना है. अब जो अगली सेटिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है विजन सेटिंग्स. उसमें क्या है, आपने आइकन्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं. उसके लिए फिर से आप एक्टिव लॉन्चर पर जाएंगे. अब आपको क्या करना है, सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है. सेटिंग्स ऑप्शन में आपको सर्च करेंगे आप, जैसे क्या देख पा रहे सेटिंग्स ऑप्शन है जो फर्स्ट वाला है उस पर टैप करेंगे. इसमें आपको सर्च करना है विजन, सबसे नीचे होगा वो STUV पे जाके होगा, ये रहा विजन सेटिंग्स. इस पर आप क्लिक करेंगे, अब कुछ ऑप्शंस ऐसे को देखने मिलते हैं, मैग्नीफाइंग गेस्चर्स, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज. आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन का, डिस्प्ले साइज से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं. तो ये भी एक अच्छी सेटिंग है, जिससे आप अपने फ़ोन का लुक जो है छोटा बड़ा आइकन्स को जिस तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं. अब जो अगली सेटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं जैसे यूट्यूब स्टूडियो हो गया, कुछ भी एप्लीकेशन वो स्प्लिट स्क्रीन मोड पर काम नहीं करते, तो उनको कैसे यूज़ करना है. तो उसके लिए क्या करना है, आपको सेटिंग्स पर जाना है. सेटिंग्स पर जाके अबाउट फोन पर जाएंगे, अबाउट फोन पर जाके जो MIUI का वर्जन है ये वाला, इसके ऊपर आप 7 से 8 बार टैप करेंगे ताकि आप डेवलपर मोड पर आ सकें. फिर इसको बैक करेंगे, बैक करके आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है. एडिशनल सेटिंग्स में आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलता है, ये रहा डेवलपर ऑप्शन. डेवलपर ऑप्शन में जाके आपको सबसे नीचे जाना है और एक ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा ऑप्शन है, फोर्स एक्टिविटीज़ टू रीसाइजेबल. इससे क्या होगा, जो भी एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन मोड पर काम नहीं कर रही थी आप इनेबल कर देंगे, वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो है आप स्प्लिट स्क्रीन मोड पर काम करना शुरू कर देंगी. तो ये भी एक अच्छी सेटिंग थी. अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फ़ोन का जो डायल पैड है उसमें पियानो को प्ले कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना है, पहले मैं फ़ोन को साइलेंट मोड से बाहर रखता हूँ. एक बार आप फ़ोन के डायल पैड में जाएंगे, उसकी सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके सेट आपको क्या करना है, जो एडवांस सेटिंग्स है ये नीचे ऑप्शन देख पा रहे हैं, इस पर एक बार टैप करेंगे, आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलता है डायल पैड टच टोन्स, इसको इनेबल करना है. इनेबल करके जो टोन्स होती हैं वो डिफ़ॉल्ट होती हैं, आपको उसको डिफ़ॉल्ट की जगह पियानो मोड पर ले आना है. पियानो मोड पर लेके आते ही आपका जो आप डायल पैड है पियानो की तरफ प्ले करना शुरू करेगा. मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए
इस तरीके से आप इस फीचर को भी अपने फ़ोन में इनेबल कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, आपका फ़ोन का जो एनिमेशन स्पीड होती है काफ़ी स्लो होती है, आपको लगता है काफ़ी लैग कर रहा है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। आप सेटिंग्स में जाएंगे, फिर से एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, और आपको थोड़ा नीचे जाना है और आपको कुछ तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ कौन से हैं वो। विंडोज़ एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल, ये इन सबको आपको 0.5x पे कर लेना है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इससे क्या होगा, आपकी फ़ोन की स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, कितनी जल्दी सारे के सारे एप्लीकेशन खुलती हैं और जो लैग होता था वो आपके फ़ोन में से हट जाएगा। अब आपके फ़ोन में काफ़ी सारे अननेसेसरी ऐप्स होते हैं जो आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, जो आप यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो हमने MIUI के हिडन सेटिंग्स जो एप्लीकेशन थी उसको इंस्टॉल किया था, हम उसको खोलेंगे। उसको खोलते ही आपको मैनेज ऐप्स करके सबसे ऊपर एक एप्लीकेशन मिलती है, उसको ओपन करना है और उसमें आपको सारे के सारे जो एप्लीकेशन हैं आपको देखने को मिल जाएंगी कि आपके फ़ोन के अंदर कौन कौन से डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हैं जिसको आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से सर्च करेंगे और उसके बाद उसको अनइंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, समझ लीजिए कि आपने कोई डिफॉल्ट एप्लीकेशन है जो फोन के अंदर पहले से ही मौजूद है, आप उसको हटाना चाहते हैं, आप उसको यहां से जाके हटा सकते हैं। जैसे MI स्टोर है, हम MI स्टोर को यहां से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए MI स्टोर को हम अनइंस्टॉल करते हैं, अब यहां से अनइंस्टॉल फिनिश्ड हो जाएगा, हमारा जो MI स्टोर है वो अपने फोन में से अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके थ्रू आप जो भी डिफॉल्ट एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर है प्री इंस्टॉल्ड, उनको आप आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब होता क्या है, कई बार आपको स्क्रीन ऑफ करने के लिए पावर का बटन दबाना पड़ता है, तो अब आप किसी भी बटन, नीचे बटन है या आपके नेविगेशन बटन, इनसे भी पावर ऑफ कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को। वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करना है। उसके लिए भी आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, फिर से एडिशनल सेटिंग्स में जाके बटन एंड गेस्चर शॉर्टकट्स पर जाना है। अब इसमें आपको चौथा ऑप्शन देखने को मिलता है, टर्न ऑफ स्क्रीन। आप इस पर टैप करेंगे, आप कोई भी बटन आप जो यूज़ करना चाहते हैं उसको करके आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ लॉन्ग प्रेस द बैक बटन। अब इसमें क्या होगा, मेरा जो बैक प्रेस होगा तो बटन अपने आप जो है फ़ोन जो है आना अपने आप ऑफ हो जाएगा। बट मैं फिर से पावर बटन से ऑन ना करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले में जाऊँगा एक बार फिर से, डिस्प्ले की सेटिंग्स में, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डबल टैप टू स्क्रीन टू वेक, इसको भी इनेबल कर दूंगा। अब क्या होगा, देखिए मैं पावर को इसका बैक के बटन को प्रेस करके रखूँगा, हमारी स्क्रीन ऑफ होगी। अब मैं डबल टैप करूँगा, स्क्रीन जो है फिर से ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो अगला फीचर आपको बताने वाला हूँ वो क्या है कि आपने मोस्टली काफ़ी सारे फोन में देखा होगा आप हॉटस्पॉट और वाईफाई एक साथ यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब क्या है, आप इस फोन के अंदर आप हॉटस्पॉट और वाईफाई एक साथ कुछ, देखिए हमारा वाईफाई भी चल रहा है, मोबाइल डाटा भी चल रहा है, अब आप हॉटस्पॉट को भी यूज़ करते हैं। कोई भी देखिए ऊपर जो दोनों ऑप्शन थे वो वैसे के वैसे इनेबल हैं, तो अब क्या होगा, आप वाईफाई, हॉटस्पॉट और मोबाइल डाटा एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक अच्छा फीचर है जो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं था। अब जो इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी फीचर बताना चाह रहा हूँ जिसको आपको गैलरी के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके लिए क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके ऊपर आपको सर्च करना है TAPLUS, इसको आपने ओपन करना है और ओपन करके इसको अप्लाइड कर देना है। देखिए मैं ऑलरेडी अप्लाइड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे लिखा रहा है अप्लाइड, आपने इसको अप्लाई करना है। इसके बाद आपको अपने फ़ोन की जो गैलरी है उसके अंदर काफ़ी सारे और भी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब काफ़ी सारे लोग पूछते थे कि इसके अंदर हम फ़ोन को रिकॉर्डिंग कैसे करें, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करें, तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप डेवलपर में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे अपने फ़ोन की, सेटिंग्स में जाके क्या करना है ये देख पा रहे होंगे आप, एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे हम। एडवांस सेटिंग्स में आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, शायद मैं भी थोड़ा सा भूल गया हूँ, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ एक बार, हो जाता है कभी कभार। ये देखिए हाँ, सेटिंग्स में एडवांस सेटिंग्स में जो नहीं, ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग, ये अभी ऑफ है, इसको आप रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली कर देंगे तो अब आपकी जितनी भी कॉल्स हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड होना शुरू जाएंगी। नीचे ऑप्शन भी है ऑल नंबर्स या सिलेक्टेड नंबर, अगर आप चाहते हैं कुछ ही नंबर्स की रिकॉर्डिंग करना चाहें जैसे अपने फ्रेंड्स वगैरह की, उन्हीं की, तो आप सिलेक्टेड नंबर में कर सकते हैं, ऑल नंबर्स करना चाहते हैं तो ऑल नंबर कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग पसंद नहीं करता तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने फ़ोन के अंदर किसी भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जो मैं अगला फीचर बताने वाला हूँ, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है, कई बार कई काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो होती हैं वो इस फोन में फुल स्क्रीन मोड पे काम नहीं करती, क्योंकि इस फोन की स्क्रीन है काफ़ी लार्ज है, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन है फुल स्क्रीन मोड पे काम नहीं करती हैं, यानी कि ऊपर आपको ब्लैक नेविगेशन बार कुछ देखने को मिलते हैं, तो उसको भी आप कह सकते हैं सारी एप्लीकेशन को फोर्सफुली फुल स्क्रीन मोड पर ऑन कर सकते हैं। तो आपको करना है सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके आप एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाके क्या करना है आपको, बटन एंड गेस्चर शॉर्टकट्स पर जाएंगे, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है फुल स्क्रीन मोड। आप इस फुल स्क्रीन मोड को जाके जो जो एप्लीकेशन आप चाहते हैं कि जिन पे फुल स्क्रीन मोड काम नहीं कर रहा है, जैसे कुछ एप्लीकेशन दिखा पा रहे हैं इन पे इनेबल नहीं है, आप इनको इनेबल कर सकते हैं और आसानी से फुल स्क्रीन मोड को अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं जो जो एप्लीकेशन पे काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप फुल स्क्रीन मोड को आसानी से अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, इनकमिंग कॉल्स जो आती हैं उसके ऊपर एक डिफॉल्ट स्क्रीन होती है, ब्लू सी स्क्रीन होती है और फोन नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं अपने वॉलपेपर के साथ। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप फिर से कॉल पे जाएंगे डेवलपर पैड पे, उसकी सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके क्या करना है आपको, इस बार जो भी आपको
एडिशनल एडवांस सेटिंग्स है उसमें जाएंगे तो आपको एक तीसरा ऑप्शन देखने को मिलता है इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड। ये डिफॉल्ट होता है जिसमें ब्लू कलर की स्क्रीन आपको मिलती है। अब क्या होगा, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर कर देंगे तो यानी कि जो भी आपका वॉलपेपर आपने सेट कर रखा होगा जब भी कोई नंबर फ्लैश करेगा आपके तो जो वॉलपेपर है वो आपके सामने आएगा, जो डिफॉल्ट पेज होता था यानी ब्लू कलर का बैकग्राउंड वो आपके सामने शो नहीं करेगा। अब जो मैं अगली सेटिंग बताने वाला हूँ वो क्या है कि फिर से इस वो एडवांस सेटिंग्स में ही आपको देखने को मिलेगी, इसी के अंदर आपको देखने को मिलती है एडवांस सेटिंग्स के अंदर ही जाके, वो भी आप उसके अंदर देखने मिलेगी। सेटिंग्स में आपको जाना है, उसमें क्या होता है जो जितने भी आपकी जो फ़ोन बजता है तो आपका बहुत रिंग टोन होती रहती है, कभी कभार वाइब्रेट होता रहता है, तो आप उसको कैसे जैसे हो सके कि जैसे आप फ़ोन को उठाएं तो आपकी जो फ़ोन की रिंगिंग जो है वो थोड़ी स्लो हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है आपको सेटिंग्स में ही जाना है। फ़ोन की सेटिंग कॉल की जो सेटिंग्स होती हैं सेटिंग्स में जाएंगे, आपको यहाँ पे एक सेट ऑप्शन मिलता है इनकमिंग कॉल सेटिंग्स, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, जैसे आप फोन को फ्लिप करेंगे फोन जो है साइलेंट हो जाएगा, क्वाइट रिंगर विद लिफ्टेड, जैसे आप फोन को उठाएंगे तो आपके जो फोन के जो रिंग है वो स्टॉप हो जाएगी या वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी या फ्लैश करना शुरू कर देगा पीछे आपका जो फोन, जब भी फोन आएगा फ्लैश करना शुरू कर देगा ताकि अंधेरे आपको पता चल सके आपका फोन कहाँ पड़ा है, कहाँ पर फ्लैश हो रहा है। तो इस तरीके से आप इन फीचर्स को भी अपने फोन में यूज़ कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों का ये मानना था कि इसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग नहीं है, तो उसके लिए सिंपल सी एप्लीकेशन है, ओपन कैमरा एप्लीकेशन है, उसको आपने इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से और इसके अंदर आपको जो है 4K रिकॉर्डिंग देखने को मिल सकती है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग है कि नहीं। इसके हम सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग में वीडियो सेटिंग में जाएंगे, वीडियो सेटिंग में ऊपर जो वीडियो रेजोल्यूशन है उसमें आप देख पा लेंगे ये फुल HD के ऊपर एक हाईएस्ट 4K अल्ट्रा HD सेटिंग्स है, इसको आप इनेबल कर लेंगे, उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर जो है 4K रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ बातें थी मैं आपको बताना चाहता था। अब एक फीचर और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नीचे आप नेविगेशन बार देख रहे हैं, आप इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं, आपको लगता है ये अच्छे नहीं लग रहे हैं आपके फ़ोन के ऊपर, तो आप क्या करना है सेटिंग्स पर जाएंगे, सेटिंग्स पर जाके अपने एडिशनल सेटिंग्स पर जाना है, फिर से एडिशनल सेटिंग्स में जाके बटन एंड गेस्चर शॉर्टकट है उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको नीचे क्या है एक ऑप्शन देखने को मिलता है हाइड सॉफ्ट बटन्स, ये वाला ऑप्शन जो है देखने को मिल रहा होगा, इसको आपने इनेबल कर देंगे, देखिए हाइड कर देंगे। अब देखिए नीचे जो बटन थे हमारे वो गुम हो गया, आपको उसको इनेबल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फिर से इनको लाना है तो बस एक बार आप ऐसे स्लाइड करेंगे आपके सामने ये बटन जो है वापस आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है नेविगेशन बार्स के बटन, देखिए होम स्क्रीन के ऊपर भी नहीं दिखेंगे आपको मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार होम स्क्रीन में जाके, ये थोड़ी देर में यहाँ से गुम हो जाएगा, देखिए गुम हो गए हैं यहाँ से, आप इसको फिर से लाने के लिए आपको सीधा एक बार ऊपर स्वाइप करना है और आपके वापस ये बटन ऐसा रहते हैं, तो इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आपको मिल सकता है, पूरा जो बैकग्राउंड है वो एक नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको लगता है कि आपको कुछ और सेटिंग्स इसके बारे में पता है जो आप अपने हमारे व्यूज़ का शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में जाकर जरूर लिखिएगा। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं रोज़ आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकें। तो चलिए इसी वीडियो को बंद करते हैं, बाय, टेक केयर।